हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास फिफ्थ से कंप्यूटर क्लास से लैब एक्टिविटी लेकर आई हूँ कि एमएस वर्ड में किस प्रकार के प्रैक्टिकल बच्चों को करवाए जाते हैं। आज हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट द एसे ऑन आवर एनवायरमेंट अबाउट हंड्रेड लाइन्स या 10 लाइन्स। नाउ यूज द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग। इसमें हमें ये फॉर्मेटिंग करना है। पहला लाइन स्पेसिंग 2.0 पीटी, टू गिव 25 स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, थ्री में हमें लेफ्ट इंडेंट एंड फर्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ फर्स्ट लाइन इंडेंट्स एंड सेकंड पैराग्राफ एंड फिफ्थ हैंगिंग इंडेंट्स एंड थर्ड पैराग्राफ। तो इन सभी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे। इससे पहले भी हमने क्लास फिफ्थ से कंप्यूटर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कंप्यूटर में बताएं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। तो चलिए इंडेंट को सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पे 3 इंडेंट की बात की गई है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट। ये तीनों हमें पैराग्राफ में करके बताना है। फर्स्ट लाइन इंडेंट इस प्रकार का इमेज इसमें बना रहता है, हैंगिंग इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट, ये तीनों एक साथ हमारे सिस्टम में इंडेंट पैराग्राफ में दिखते हैं। पैराग्राफ करते समय हमें इसका यूज करना होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है आवर एनवायरमेंट, जिससे हमने आवर एनवायरमेंट 1000 वर्ड्स में हमने इसमें लिख रखा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हमने लिए हैं, इसे आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है अपना लाइन स्पेसिंग 2.0, इसमें हमें लाइन स्पेस देना है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है माउस से ड्रैग करके, और यहाँ पर ये लाइन स्पेस ऑप्शन आता है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2.0 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हर लाइन्स के बीच में फर्स्ट पैराग्राफ में 2.0 की डिस्टेंस दिखेगी। तो ये थे हमारा पहला क्वेश्चन, लाइन स्पेस 2.0। वापस हम कंट्रोल प्लस जेड करके हम नॉर्मल स्थिति में, पहले की स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिव 25 पीटी स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, यानी बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ 25 स्पेस हमें लेना है। तो चलिए इसको हम करके बताते हैं। इसमें हम तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले हम इससे हमें तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करके लाइन स्पेस ऑप्शंस पे जाके पहले हम यहाँ पर दोनों में 0 कर लेते हैं, या ऑटो स्पेस पे हम ले लेते हैं, ऑटो मोड पे पहले सिंपल ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 0 स्पेस ले लेंगे, लाइन स्पेस पे जाएंगे और 0 कर लेते हैं, और बिफोर या आफ्टर दोनों आप देख पा रहे हैं, दोनों में हमने 0 कर लिया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है 25 पीटी स्पेस, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग किए हमने, और फिर यहाँ लाइन स्पेस पे जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में बिफोर एंड आफ्टर 25 हमको लेना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास 25 नहीं आता है, 24 आता है, तो हम कर्सर को क्लिक करके बैक स्पेस से 4 को डिलीट करके हमने 5 लिखा है। इसी प्रकार आफ्टर में भी हम कर्सर बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे और बैक स्पेस की से डिलीट करके यहाँ पर हम खुद मैनुअली 25 लिखेंगे और फिर देन हम ओके करेंगे। तो ये देखिए आपका आफ्टर और बिफोर, ये दोनों 25 स्पेस पैराग्राफ के बीच में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेफ्ट इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें लेफ्ट इंडेंट बताना है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर लेते हैं। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ये हमारा देखिए यहाँ पर ये इंडेंट की साइन बनी हुई है, इसको आप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये इस प्रकार का इमेज रहता है। ये ऊपर वाला जैसे ही आप माउस ले जाएंगे ना लिखा हुआ नेम आ जाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इन, ये हो गया हैंगिंग इंडेंट, और नीचे वाली जो ये लाइनिंग है ये अपना लेफ्ट
इंडेंट हो जाता है। तो लेफ्ट इंडेंट पहले हम देखेंगे, लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट जब हम करते हैं तो इससे जो है हमारा लेफ्ट की तरफ मार्जिन आ जाता है, यानी डिस्टेंस आ जाएगा। और राइट इंडेंट, जैसे हम इधर राइट इंडेंट लेते हैं, इस प्रकार हम इधर ले लेंगे राइट इंडेंट, ये हमारा राइट इंडेंट है। जैसे हम माउस ले जाएंगे यहाँ पर लिखा रहेगा राइट इंडेंट। तो राइट इंडेंट अगर हम यूज करते हैं तो राइट साइड से मार्जिन आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम इसको नॉर्मल स्थिति पे आ जाते हैं और फर्स्ट पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं और लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए लेफ्ट इंडेंट, जैसे ही माउस रखेंगे लेफ्ट इंडेंट क्लिक हो रहा है, डिफॉल्ट जस्टिफाई नहीं लेना है हमें, लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट लेना है। तो ओके, ये हमारा लेफ्ट इंडेंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमारा लेवल वन हम ले दे रहे हैं, लेफ्ट इंडेंट हमारा, जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे देखिए लेफ्ट इंडेंट हमारा होता जा रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ से हमारा ये मार्जिन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम राइट इंडेंट लेते हैं, ये राइट की तरफ हमारा मार्जिन ये घसकता जाएगा, ये हमारा राइट इंडेंट होता जाएगा। जिधर हम इधर शिफ्ट करते जाएंगे उतना ये लाइनिंग घसकते जाएंगे, ये राइट की तरफ हमारा मार्जिन होता जाएगा। उसी प्रकार लेफ्ट इंडेंट हम अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट की तरफ हमारा मार्जिन बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम माउस रखेंगे इस तरह हमारा ये लिखा हुआ आ जाता है, ये लेफ्ट की तरफ हमारा इस लाइन सेलेक्ट है तो लेफ्ट की तरफ हमारा मार्जिन बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार इसको हम अंडू कर देते हैं, वापस आपको फिर से करके बताते हैं। ये हमारा सेलेक्ट है, लेफ्ट इंडेंट हम लेंगे, इधर घसकाएंगे तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ हमारा मार्जिन बढ़ता गया। उसी प्रकार अगर हम राइट इंडेंट की तरफ हम बढ़ेंगे तो राइट इंडेंट की तरफ हमारा मार्जिन ये बढ़ जाएगा। तो ये है लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। सॉरी, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट हमने देख लिया लाइन स्पेस, सेकंड 25 स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ हो चुका है, थर्ड में लेफ्ट इंडेंट फर्स्ट पैराग्राफ, अब फोर्थ नंबर है फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड द सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन इंडेंट हमको सेकंड पैराग्राफ में लेना है, इसको हम कंट्रोल प्रेस सेट करके नॉर्मल स्थिति में ले लेंगे। सेकेंड पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है कि इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाएगी, बाकी के सभी लाइन इंडेंट नहीं। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट जैसे ही आप माउस ले जाते हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट लाइन इंडेंट हो रही है, बाकी के जो लाइन है सेकंड पैराग्राफ में वो इंडेंट नहीं हो रहे, एज इट इज हो रहे हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हैंगिंग इंडेंट द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में हमको हैंगिंग इंडेंट लेना है, तो इसको हम नॉर्मल पहले कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से हम नॉर्मल पर आ गए। अब थर्ड पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे और हैंगिंग पैराग्राफ, ये बीच वाला जो है ये हैंगिंग इंडेंट्स होता है। हैंगिंग इंडेंट्स क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे। हैंगिंग इंडेंट्स में फर्स्ट लाइन को छोड़कर जितने भी नीचे के लाइन है वो इंडेंट हो जाएंगे और फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं होगा। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं हो रहा, बाकी के नीचे भी जितने भी लाइन है वो हमारे इंडेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ गए होंगे। हमने इस वीडियो में देखा लाइन स्पेस कैसे लेना है, बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ में स्पेस कैसे लेना है, थर्ड लेफ्ट इंडेंट फर्स्ट पैराग्राफ में कैसे लेना है, एंड फोर्थ फर्स्ट लाइन इंडेंट सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा, एंड लास्ट हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, उसका कैसे यूज होता है और उसका हम कैसे यूज करते हैं। ये सभी ऑप्शन पैराग्राफ में यूज किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप नहीं रहे, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए।